हुकूमत बदल गई, लोगों के हालात ना बदल सके, महंगाई ने पक्के डेरे जमा लिए, आवाम को रोजी रोटी की फिक्र बढ़ने लगी, सब्जियों ब्रायलर के बाद दालें चीनी बेसन सब कुछ महंगा, दाल चना मूंग और काले चने 10 रुपए मार्च 35 रुपए किलो बढ़ा दी गई, बेसन 6 रुपए, नया चावल 4 और पुराना 10 रुपए फी किलो महंगा। आटा घ्यो चीनी हर शय महंगी हुई खड़ी है, तो अल्लाह ताला ने हदायत देवे सस्तियां कर, गरीबा बंदे ने तो मर गए थां ते। हम तो तब्दीली का नारा सुन के इस दफा वोट भी हमने लहरा से तब्दीली पे दिया, लेकिन हमें तब्दीली जो है ना वो जरा महंगी नजर आई। गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं दालें, सब्जी, दाल, घी, आटा, चीनी, गैस, बिजली, तमाम की कीमतें जो है ना आसमानों से बातें कर रही हैं। ब्रायलर की ऊंची उड़ान जारी, कीमत में मजीद 8 रुपए इजाफा कर दिया गया, मुर्गी के गोश्त की कीमत 273 रुपए किलो पर पहुंच गई, सब्जियों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा, अदरक 195 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 65 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, शहरी परेशान हाल होकर कीमतें कम करने का मुतालबा करने लगे। जामिया पंजाब में असातिज़ा के वारे नियारे, गुज़िश्ता अदवार में रोकी गई तमाम मुराद दोबारा बहार, विजिटिंग और सेल्फ सपोर्ट प्रोफेसर के मुआवजों में इजाफा, विजिटिंग प्रोफेसर के लिए 1600, सेल्फ सपोर्ट पर 2000 फी लेक्चर मुआवजा मिलेगा, सिंडिकेट इजलास में अहम फैसले और तकर्रियां, डॉक्टर महमूद हुसैन सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर तायुनात, डॉक्टर महमूद सलीम को सेंटर फॉर कूल टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सर्दी बढ़ गई, बेसहारा लोगों की परेशानी में भी इजाफा, खुले आसमान तले ठंड में कैसे सोते होंगे, शेल्टर होम्स बनने तक मतबादल इंतजाम क्या हो सकता है, इमरान खान की चश्मे तसव्वुर, वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला उस्मान बुज़दार को आर्जी खैमे लगाने की हिदायत, इमरान खान ने वजीर आला को बेकस लोगों की तस्वीर ट्वीट कर दी, बेसहारा लोग और परदेसियों की सुनी गई, आर्जी शामियाने लगा दिए गए। ख्वाजा सादरफी की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब ने रेलवे लोकोमोटिव में मुबैना करप्शन का खाता खोल लिया, महंगे दामों लोकोमोटिव इंजन खरीदने का इल्जाम, एक हाजिर सर्विस और दो रिटायर्ड अफसरान 26 नवंबर को तलब, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शाहिद अजीज, साबिक अफसरान तारिक खान और मजीद बेग को नोटिस जारी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की अरबों रुपए की जायदाद का इंकशाफ, अली टावर एमएम आलम रोड पर 67 दुकानें और दफातर, अली सेंटर में 50 दुकानें और दफातर, अली इमरान की मलकियत, अली एंड कंपनी, अली एंड फातिमा डेवलपर्स, कौसल आजम डेवलपर्स और अली प्रोसीड डेवलपर्स में भी करोड़ों के शेयर्स, मदीना फूड्स प्रोसीड के 1,25,00,000 के शेयर्स के मालिक, डीएचए में 2 केनाल का रिहायशी प्लॉट, नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। रमजान शुगर मिल स्कैंडल, नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद शवाहद इकट्ठा करना शुरू कर दिए, नैब ने महकमा पीएनडी रमजान शुगर मिल्स के लिए जारी फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की तबीयत नासाज, सीने और कमर में दर्द की शिकायत, डॉक्टर अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, तमाम टेस्ट किए जाएंगे डॉक्टर्स। पंजाब में किसी की नीयत थी नाकाम करने की सलाहियत, साबिक हुक्मरान बजरी सीमेंट रेत और सरिये को ही तरक्की समझते रहे, पीआईए रेलवे स्टील मिल्स हर इदारे का बेड़ा गर्क किया गया, शबा सेहत समेत तमाम इदारों में बेहतरी लाएंगे, सूबाई वजीर इत्तला'आत फैजुल हसन चौहान का आवारी होटल में फैमिली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। सौ रोजा प्लान एलडीए की कारगर्दगी, सिफर जमा सिफर, नए मंसूबे का आगाज तो दूर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार ना हो सकी, किसी प्रोजेक्ट पर तकमील की तख्ती भी ना लगी, एलडीए अफसरान की भाग दौड़ सिर्फ शेल्टर होम्स तक महदूद, कैनाल रोड अंडरपासिस की तामीर और मरम्मत पर एलडीए का यू टर्न, 27 की बजाय सिर्फ 8 अंडरपासिस की मरम्मत और बहाली होगी, बाकी का अल्लाह हाफिज, मनसूबे को 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का फैसला। We'll be right back.
बजट मुस्तरद क्यों हुआ, एलडी अफसरान ने सर जोड़ लिए। प्री बजट इजलास में बजट मंजूर ना होने की वजूहात पर गौर। ऑरेंज ट्रेन के ठेकेदारों को वाजिबात की अदायगी, बजट की मंजूरी से मशरूत। 38 अरब रुपए के बजट में कोताहियों की निशानदेही। साफ पानी एलए लाहौर के लिए ख्वाब बन गया। 550 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से बेशतर बंद। सहाफी कॉलोनी, धर्मपुरा, गवाल मंडी, गुलिस्तान कॉलोनी और जमान पार्क में वाटर प्लांट्स बंद। बंद रोड, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, चुंगी, अमर सद्दू और मनावा में भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताले लग गए। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। वाटर प्लांट्स की बंदिश का मामला पंजाब असेंबली तक पहुँच गया। नून लीग की हिना परवेज भट्ट ने करारदाद असेंबली में जमा करा दी। आबिद बॉक्सर के केसेस के लिए जीआईटी तश्कील। जीआईटी के सरबराह एसपीसीआई उस्मान एजाज बाजवा होंगे। डीएसपी इकबाल शाह, डीएसपी आसिम करीम बाजवा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाजी मुनीर टीम के अरकान में शामिल। माजूर अफराद के तहफ्फुज़ के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अहसन इकदाम। माजूर अफराद की नौकरियों के कोटे के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस को मुरासला जारी। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल। सूबे भर में दफा 144 नाफिज। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। कानून को हाथ में लेने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फजील असगर, दफा 144 का नफाज 1 दिसंबर तक रहेगा। डाकुओं को शहर में फ्री हैंड मिल गया। दिन दहाड़े लूटमार। कोट लखपत के इलाका में डकैती की वारदात। डाकू शहरी से 8 लाख रुपए लूटकर बआसानी फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। सब्जाजार में मां बेटी के कत्ल केस में नया मोड़। वारदात मकतूला अम्बरीन के खालू जमाल के घर हुई। मां ने मेरा रिश्ता देखने के लिए लोग बुलवाए हैं, अम्बरीन ने अहमद को फोन पर बताया। मुलजिम अहमद फौरी जमाल के घर पहुंचा और खून की होली खेल डाली। डीएचए एजेंट्स के इंतखाबात की मुहिम जोरों शोर से जारी। अलखदमत ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मियां तल्लत की डिफेंस में भरपूर इंतखाबी मुहिम। मुख्तलिफ रियल स्टेट दफातर में आमद अपने मंशूर से आगाह किया। मियां तल्लत कहते हैं रियल स्टेट के शोबा में इनकलाबी इकदाम करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम में इसलाह और आसानी लाई जाएगी। सरकारी स्कूल्स में बच्चों के लिए सेहत के पायलट प्रोग्राम की मंजूरी। इब्तदा में 12 स्कूलों में प्रोग्राम शुरू होगा। मेडिकल कैंप लगेंगे, एक डॉक्टर और नर्स तायुनात होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि बच्चों की तंदुरुस्ती यकीनी बनाकर सेहत के आदाब हासिल किए जा सकते हैं। मतवाजन खजा का इस्तेमाल मैदे के अमराज से बचाव के लिए लाजिम करार। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैदे की बीमारियों से मुतालिक आगाही वॉक। तिब्बी माहिरीन के शुरका को मैदे के अमराज की वजूहात और उनसे बचाव के लिए आगाही। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की होनहार तलबा पर इनामात की बरसात। एंटर अलाइड स्कूल्स, नेशनल मुकाबले जीतने वाले तलबा के लिए गुलबर्ग कैंपस में तकरीब। पोजीशन होल्डर्स तलबा में लाखों रुपए नकदी, सोने चांदी और तराई के मेडल्स तकसीम। अलहमरा हॉल में दो रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही सेशन में फिल्म मोर और जरगुल की नुमाइश। पैनल डिस्कशन में नौजवानों के मौशी मसाइल को उजागर किया गया। के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। जुदा गाना असलूब, खूबसूरत इस्तारे, खुशबू की शायरा, तशबीहात से लफ्जों को सवारने वाली परवीन शाकिर की आज 66वीं सालगिरह। उनकी मुनफरिद शायरी अदब के फलक पर पूरी आबोताब से रोशन।
और मौसम बदला तो फैशन के अंदाज भी बदल गए। गुलबर्ग निशात होटल में रंगारंग फैशन शो, पाकिस्तानी और अफगानी पहनावों में लिपटी दिलकश हसीनाओं ने हाजरीन के दिल मोह लिए।